तेरे दिल को दिल लगी न लगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशियों से नवाजे और हमेशा खुश रखे। आज जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार कीमे की रेसिपी है, तो चले रेसिपी की तरफ बढ़ती हूँ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चले अज्जा की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने 1 kg जो है वो कीमा ले लिया है और ये मैंने मटन का लिया है, ठीक है। ये ले लिया, मैंने एक प्याज ले लिया, उसकी इस तरह कटिंग कर ली। और ये मैंने 2 टोमेटो ले लिए, इसकी मैंने ऐसे कटिंग कर ली। ये मैंने हरी मिर्चों को ऐसे कट कर लिया। ये आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि अदरक कैसे डालना है। ये लहसुन, मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट है ये मैंने रखी हुई है, 1 टीस्पून ये डालूंगी। योगर्ट मैंने ले लिया, वो एक प्याली वो डालूंगी। और बाकी जो मसाला वगैरह है इसमें जो चीज़ें जाएंगी मसाला, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह और कितनी ऐड करनी है। चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा व्यूवर्स, जिस तरह मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया, अब मैं इसमें जो कीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो डाल दूंगी। अच्छा व्यूवर्स, ये कीमा डाल के मैंने अब आग के ऊपर रख दिया है, तो अब इसमें मैंने अभी ऑयल वगैरह नहीं डाला और इसमें अभी मैंने ओनियन वगैरह कुछ नहीं डाला, वो बाद में डालूंगी। सबसे पहले जो इसका पानी है मैं खुश करूंगी, क्योंकि उसको खुश कर देने से कीमे में जो स्मेल एक अपनी होती है वो नहीं आती। तो पहले मैं इसका जो पानी होगा वो सारा खुश करूंगी और फिर मैं इसको बनाने की तरफ चलती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें से अपना खुद जो पानी है वो निकल रहा है। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिए अब इसका बिल्कुल ये पानी खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसमें ओनियन, मैंने स्मॉल साइज में आपको बताया था वो मैंने डाल दिया, ठीक है। और ये टमाटर जो मैंने आपको बताए थे वो मैंने कटिंग की हुई है वो डाल दिए। ये अदरक मैंने कद्दूकस किया हुआ था ये डाल दूंगी। और ये मैंने पेस्ट डाल दी जो लहसुन अदरक की मैंने बनाई हुई थी, ठीक है, 1 टीस्पून, ठीक है। और ये हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून लिया हुआ ये डाल दूंगी, डाल रही हूँ 1/2 कप, ठीक है। व्यूवर्स, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें अब मैं नमक मिर्च डालूंगी। नमक आप लोगों के अपने टेस्ट के मुताबिक होता है, लेकिन मैं अभी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, फिर मैं चेक करूंगी, अगर कम होगा तो मैं और डाल लूंगी। और इसमें मैं 1 टीस्पून मिर्च डाल रही हूँ, पीसी हुई लाल रेड चिली जो होती है वो, और 1/2 टीस्पून इसमें मैं खुश्क धनिया डाल रही हूँ, और ये चिली फ्लेक्स जो अदकुटी मिर्च होती है, मतलब ये के जो लाल रंग की, वो मैं 1/2 टीस्पून डाल दूंगी। ये एक प्याली जो योगर्ट था मैं वो डाल दूंगी सारा। मैं अभी ये एक प्याली जो मैंने योगर्ट की ली थी वो मैंने पानी की डाल दी है, ठीक है। व्यूअर्स, अब मैं इसको सीटी लगा के रखूंगी 10 मिनट के लिए, ठीक है। ऐसे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब 10 मिनट्स की मैं इस पर, आप 10 मिनट्स आपके पास जो भी आपका है उसमें जस्ट आपने 10 मिनट्स लगाने हैं, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चले मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। अच्छा व्यूवर्स, अब ये देखें, ये मैं ओपन करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूवर्स अब ये रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ। भूनने के लिए इसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जस्ट 5 मिनट्स के लिए ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है। और इसमें जो मैंने ये हरी मिर्चें काटी हुई थी ये डाल देंगे, और इसमें मैं ये 1/2 टीस्पून जो गरम मसाला है वो डाल दूंगी, ताकि इसकी स्मेल गरम मसाले की इसमें चली जाए। और इसको फिर अच्छे तरीके से 5 मिनट तक ज़रा भून के, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा व्यूवर्स, ये 5 मिनट अब हो गए हैं, तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, ये अब मैंने आपको कहा है डिश आउट करके, इसको आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना शानदार और जबरदस्त, इसके ऊपर आप इस तरह जिंजर डाल लें कटिंग करके जो मैंने रखा हुआ था, और इसके ऊपर फ्रेश आप इस तरह धनिया को कटिंग करके।
व्यूअर्स ये देखें, बिल्कुल हमारा लोहड़ी कीमा रेडी हो गया है। मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज। लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे।